गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से जो बीएड का एडिशनल पेडागॉजी का एडिशनल पेपर देना चाहते हैं उसके लिए लगभग जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने इकट्ठी की हुई है। इसमें हम बात करेंगे कि स्टेप्स फॉर्म कैसे फिल करना है और कंडीशंस क्या हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की। स्टेप वन पर आ रही हैं एलिजिबिलिटी। जो आपने बीएड का फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए पेडागॉजी ऑफ एसएसटी का करना है, है ना? तो एसएसटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो ये बीएड का हो गया, यहां से पता चल गया। तो इस ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन ये पूरा हो गया और इसकी आपने दो सोशल साइंसेज पढ़ी हुई होनी चाहिए, एक और दो। ये सोशल साइंसेज कौन सी होनी चाहिए ये अलग से बात है कि एनसीटी ने 13 सोशल साइंसेज दी हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने जॉब में 9 सोशल साइंसेज हैं, और नॉर्मली अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, स्कूल सब्जेक्ट पढ़े हैं तो मच बेटर हैं। और भी कोई पढ़े हैं तो आप पैडागोजी का सब्जेक्ट दे सकते हो, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने हिस्ट्री अकेला पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से आप एसएसटी देने के लिए, क्योंकि एसएसटी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। इंटीग्रेटेड का मतलब एक से अधिक मिलकर जो इस सब्जेक्ट को बनाते हैं। और ये मान लीजिए हिस्ट्री और पोल साइंस आपने ग्रेजुएशन में की हुई है और फिर आप एसएसटी का पेडागोजी देने के लिए एलिजिबल हो। अगर ये एक किया हुआ है तो नेचुरली पहले आपको ग्रेजुएशन का एडिशनल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का किया है तो पॉलिटिकल साइंस का देना पड़ेगा, या किसी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या फिलोसफी साइकोलॉजी पब्लिक एड जो सोशल साइंसेस है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का करना है, ये पी फॉर मैंने लिख दिया यहाँ पर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, है ना? तो इंग्लिश का पेडागोजी करने के लिए आपको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव इंग्लिश जरूरी नहीं है पढ़ी हुई होनी चाहिए, जनरल इंग्लिश पर भी ये कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टिव इंग्लिश आपको बाद में जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन में अगर इलेक्टिव इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये लैंग्वेज जैसे जनरल पंजाबी है तो भी आप एडिशनल, ये एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी वही होगी जो बीएड में एडमिशन की पेडागोजी की एलिजिबिलिटी होती है। तो वो बहुत डिटेल विषय है, उसके बारे में बहुत वीडियो पे बात कर चुके हैं, तो आप फोन पर भी मेरे से पूछ सकते हो कि क्या क्या आप बीएड के बेस पर एलिजिबल हो। पहली बात ये हो गई कि आप एलिजिबल होने चाहिए, इट मीन्स कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका इन अकॉर्डेंस विद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स जो बीएड में एडमिशन होती है उसके होना चाहिए। अच्छा, अब साथ साथ कर रहे हैं एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम की बात। तो ए मैंने याद रखा कि ए पहले आता है इसलिए ये एनुअल है, वो वाला जो है सेमेस्टर सिस्टम है। स्टार्टिंग डेट फॉर्म जो है एडमिशन फॉर्म कब निकलते हैं, फरवरी में निकलते हैं और ये अगस्त में 16 अगस्त 2023 ये लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये लास्ट डेट जो इसकी है 25th सितंबर के इर्द गिर्द बन रही है, 25th सितंबर, ठीक है? ये रही कई, मैंने टोटल लिख दिया है कि पंजाब पटियाला और ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की 25th से 30th सितंबर के बीच में ये सारा जो है फॉर्म एडमिशन को फॉर्म फिल होना होता है। अच्छा, एंड कब होती है? ये तो स्टार्ट होती है ना, ये स्टार्टिंग डेट है 25 सितंबर, ये हो गई एंडिंग डेट। लेकिन जो एनुअल सिस्टम है बीएड का उसके लिए अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो आपको हाई अलर्ट पर रहना पड़ेगा। हाई अलर्ट पर क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि जब ये डेट शुरू करते हैं, मान लीजिए 1 फरवरी से शुरू की और 7 फरवरी को इन्होंने ख़त्म कर दी, 7 फरवरी को शुरू की 16 फरवरी को इन्होंने ख़त्म कर दी, विद इन 1 वीक ये फिल हो जाता है, इसलिए हाई अलर्ट रहना पड़ेगा एनुअल वालों को। मोड आपने एडमिशन फॉर्म जमा कैसे करवाना है मैनुअल है, सेमिस्टर वाला भी मैनुअल है, ओके? इट मींस ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, यूनिवर्सिटी जाके परचेज कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड कीजिए। वो कैसे करना है आगे चल के हम समझ लेते हैं। फीस एनुअल सिस्टम की बीएड की यूनिवर्सिटी फीस है, यूनिवर्सिटी फीस मीन इट मींस दो फीसेज हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक कॉलेज की फीस होगी और एक यूनिवर्सिटी की फीस होगी। एनुअल की 45 है टोटल फीस और सेमिस्टर की 62
100 है फॉर ऑल सेमेस्टर्स। ऐसे ही कॉलेज की फीस वेरी करती है। फॉर एग्जांपल इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन आपको 5,000 में करवा देते हैं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। बाकी कईयों पता किया वो 10,000 तक, इवन 12,000 तक, इससे अधिक भी ले लेते हैं। तो पहला स्टेप यही होगा कि आपने कॉलेज को चूज करना है। हो सकता है जहां से आपने बीएड किया है, अगर गुड एक्सपीरियंस है वहां से आप जाकर बात कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट वहां टीचर है तो वहां से आप एडिशनल पेपर दे सकते हैं, वहां पर एग्जाम होता है। तो बीएड के एडमिशन के लिए सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेनी है। तो कॉलेज चूज करना पड़ेगा। कॉलेज चूज करने के लिए आप मेरे से गाइडलाइन ले सकते हो अगर जरूरत पड़े, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आप अपनी बीएड जहां की है, अगर गुड एक्सपीरियंस है वहां जा सकते हो, अगर नहीं तो नजदीक जहां फीस यहां कम है आप 2-3 कॉलेज देखिए, वहां बात कीजिए, और फीस क्या टोटल चार्ज है वो अपनी क्वारी पूरी करनी है। ऐसे ही सेमेस्टर की भी 5 से 10 या 12 हज़ार तक फीस ले लेते हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया। फिर है आप अटेस्टेशन है, एनुअल का कॉलेज से ही होगा दोनों का। आपने फॉर्म फिल कर लिया, अभी करते हैं जाके के फॉर्म क्या है। सिलेबस, इनको जो सिलेबस बीएड का एडिशनल का 2014-15 जब एनुअल से सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया था, तो लास्ट सेम ये वाला आएगा, लास्ट वाला सिलेबस है ना, ये समझने वाली बात है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में ऐसा नहीं है। तो सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस जो करंट होगा, ये डिफरेंस है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वही जो आप फॉर एग्जांपल पेडागोजी ऑफ एसएसटी है वही होगा सिर्फ, और सेमेस्टर टू में पेडागोजी ऑफ एसएसटी होगा। सेमेस्टर थ्री में आपका नॉर्मली जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है, ये बात समझ लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सेम वन, ये इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने किया, ये सेम टू हो गया और ये सेम थ्री हो गया। अब ये सेम टू और सेम वन एंड थ्री, इसमें थ्योरी पेपर, टीएच थ्योरी पेपर जो आपका वो हो गया पेपर वन, और ये सेम थ्री का प्रैक्टिकल पेपर, पीपी लिख दिया, पेपर स्किल इन टीचिंग जो है वो हो सकता है सेम वन में ही साथ हो जाए, और सेम टू में ये हो गया आपका थ्योरी का पूरा जो है थ्योरी पेपर, ये थ्योरी पेपर वन और थ्योरी पेपर टू और प्रैक्टिकल, ये जो प्रैक्टिकल था ये इसके साथ आके मिलके इकट्ठे हो गया। ऐसे ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 3 सेमेस्टर को 2 सेमेस्टर में कन्वर्ट करके हो सकता है। क्या अदर यूनिवर्सिटी के दे सकते हैं? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नहीं अलाउ करती जिन्होंने यहाँ से बीएड की है। ड्यूरिंग एमए या कोई और कोर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप, यस आप कर सकते हो, लेकिन क्लैश की जिम्मेवारी आपकी है। अच्छा, टाइम ऑफ अपीयरिंग एग्जाम एनुअल का मई में है, ओके उनके मई में होने हैं। तो जो सेमेस्टर सिस्टम है उनके यहाँ पर दिसंबर या जनवरी हो गए, दो हो गए, दिसंबर डी लिखा है डीसी या जैन है ना, ये एक सेम वन का हो गया और ये हो गया मई और जून, ओके ये हो गया सेम टू का। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ रीअपियर, तो अभी आपको सभी पेपर में पास होना पड़ेगा जितने पेपर दे रहे हैं। तो ये तो है कि सेम वन का है सेम टू का है, नॉर्मली इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आप पास हो जाते हो, एक पेपर देना तैयारी के लिए वक्त मिल जाता है। तो दोनों पेपर में पास होना, तीनों पेपर में प्रैक्टिकल में पास आपको होना है। तो क्या आप दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप दो इकट्ठे पेपर दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल टीचिंग ऑफ एसएसटी एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश देना है, यस आप दे सकते हो। नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं? सेम वन में एक है, सेम टू में है, तीसरा प्रैक्टिकल है। माइग्रेशन रिक्वायर्ड है, यस अगर आप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन चेक माइग्रेशन फ्रॉम लास्ट क्लास एंड यूनिवर्सिटी, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल बीएड करके बाद में एमए करने उधर चल गए थे, अब बाद में फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, तो उनको माइग्रेशन चाहिए। कंटिन्यूएशन फीस लगेगी, अगर माइग्रेशन देन कंटिन्यूएशन फीस है, जिनकी माइग्रेशन है उनकी कंटिन्यूएशन फीस है, उनकी एक्स्ट्रा 650 से 750 तक की ये फीस होगी। इफ माइग्रेशन इज लेट फॉर मोर देन वन मंथ
देन फाइन कितना है अप टू, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, 1,000, 2,000, 2,500 तक फाइन हो जाता है, ये नौबत मत आने दीजिए। क्लास क्रोनोलॉजिकल फॉर ईच सेमेस्टर ईयर, ओके। डोंट मेंशन द एड्रेस, एक बात है कि ज्योग्राफिकल एरिया जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, उनमें आप रहते हो, आपके पास कोई एड्रेस है, मामे चाचे ताए किसी का भी है, वो फिल कर देना, क्योंकि अदर ज्यूरिसडिक्शन के जो हैं ज्योग्राफिकल एरिया से हैं उनको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एडिशनल नहीं कराएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोंट मेंशन एड्रेस, रेजिडेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस बियॉन्ड द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, अमृतसर का एड्रेस हो, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में हो, जलंधर का, कपूरथले का, नवांशहर, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का एरिया है, इनमें से बाहर का एड्रेस फिल करोगे तो गए। अदरवाइज हैव टू सबमिट एफिडेविट विच कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 300 है। अगर ऐसा नहीं करते आप तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं यहीं पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में का में के रीजन में से ही हूँ। इंक्वायरी नंबर है 01832823058, 01832823058। तो ये थी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के लिए आपने सबसे पहले gndu.ac.in क्लिक किया, तो यूनिवर्सिटी का ये पेज खुल गया। स्टूडेंट पर क्लिक किया, ये डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक किया, तो यहाँ से वीडियो दोबारा बन रही है। पहले वाली मैंने लगभग डिलीट कर दिया या हटा दिया है वैसे कि आप नहीं देख सको क्या था, इस पर सुन लीजिए क्या क्या हुआ है। पहले मैंने ये फॉर्म बताया था आपको, मैंने वही बताया था जो यूनिवर्सिटी ने इंक्वायरी पर जो बैठे थे उन्होंने बताया था। बाय चांस उनको भी गलती लग सकती है, जैसे उन्होंने बताया था हमने स्टूडेंट्स को भी गाइड कर दिया। मैंने क्या बताया था कि ये नहीं, कॉमन वाला फॉर्म फिल नहीं करना, ये रहा या ये मैंने ऐसे लगा के ये क्रॉस लगाया था, कॉमन एडमिशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड बीएड, और इस पर रेगुलर लिखा हुआ है ना, उन्होंने बोला था ये नहीं फिल करना। तो लेकिन जब हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट वहाँ फॉर्म फिल करके अरजिंदर सर ने भेजे और वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर में गए, तो उन्होंने कहा कि फॉर्म गलत फिल कर लिया है। तो फिर क्या था कि बच्चे निराश हुए, हमने गाइड किया था, दैट इज़ वाई मैंने वीडियो भी वो डिलीट किया। समझ लीजिए लर्निंग है। तो अब फॉर्म गलत फिल हो गया है, लेकिन वो प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप एग्जामिनेशन, वही जो फैसिलिटेशन सेंटर वाले थे उन्होंने कहा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर जाके मिल लीजिए इसी फॉर्म से, कि वो एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल सर से बात हो के बाद में वो एग्जामिनेशन सेंटर में गए, तो एग्जामिनेशन सेंटर में वालों ने कहा कोई बात नहीं, हमें हमारा फॉर्म चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप पिछला भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो एग्जामिनेशन सेंटर जाके वो अप्रूव हो जाता है, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी वही है। पर इस वीडियो में मैं वो जो फॉर्म उन्होंने सजेस्ट किया है, पहले ये क्रॉस था है ना, तो ये वाला यस था, पहले ये यस था, ये वाला, हाँ ये यस था। अब ये उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर वालों ने इसको क्रॉस किया है, लेकिन वो दोनों एक्सेप्ट करती हैं। जो फैसिलिटेशन सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर दोनों एक्सेप्ट करते हैं, वो कौन सा फॉर्म है जिसको ये क्रॉस किया था, ये वाला यस है। इसको डिलीट करके बता रहा हूँ कि ये, क्योंकि कन्फ्यूजन फोन बहुत आते हैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो ये वाला हब फॉर्म फिल करने लगे हैं, ये राइट फॉर्म है जिसमें बीएड भी लिखा हुआ है, उसके इंडिकेटर क्या हैं, और रेगुलर स्टूडेंट ओनली लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा, ये फॉर्म अब हमने फिल करना है। इसको बड़ा कर लिया मैंने, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही है। जो चेंज है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने रोल नंबर एग्जामिनेशन सेंटर नहीं फिल करना, टू बी फिल्ड बाय ऑफिस है, एडमिशन फॉर्म फॉर है ना, एडिशनल बीएड आपने लिखना है, एडिशनल, अगर यहाँ स्पेस बहुत है आराम से लिख सकते हो एडिशनल बीएड, और ब्रैकेट में लिख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है,
पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस फॉर एग्जाम्पल SST, है ना, ये लिख दिया। सेमिस्टर कौन सा है आपका, फर्स्ट वन का भी पेपर एक होना है, फर्स्ट टू सेमिस्टर टू का भी होना है, थर्ड सेमिस्टर में आपका स्किल इन टीचिंग होना है। पर ये हो सकता है, कई बार हो जाता है कि थर्ड और फर्स्ट में इकट्ठे आपके होके आपका और सेकेंड ये थ्योरी का हो गया, ये थ्योरी का हो गया, ये प्रैक्टिकल और थ्योरी एक ही साथ इकट्ठे दिसंबर में हो गए, है ना। तो ये पॉसिबल है, आपका दो सेमेस्टर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कर देती है कंप्लीट, ये गुड बात है, थैंक यू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो एग्जामिनेशन यहाँ पर आपने फिल किया, बीएड फिर आ गया, और 2000 जो भी आपका सेशन है वो लिखोगे, 2023 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है कि कोई, ये मैं अब डिटेल में नहीं कुछ भी बताऊँगा, मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए ब्लॉक, सोने सोने पढ़े जाएं, जैसे एक ही लिखूंगा TIRATH, है ना, KAUR कौर, पंजाबी विच तीरथ सोना करके तीरथ कौर, ओके। अपना नाम लिखना है, मेरा नहीं लिखना। फादर्स नेम आ गया, पिता का नाम पंजाबी विच आ गया, मदर्स नेम आ गया, माता का नाम पंजाबी विच आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर तुहाडे आपके जो DMC है, DMC के हेड पर, वैसे पता होगा आपको, ने कई बार फिल किया है, नहीं पता है तो DMC के हेड पर राइट साइड पर लिखा होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना। फीमेल हो वो फिल कर दिया, फ़ोन नंबर अपना, अच्छा अच्छा सा सोना सोना सा, रूरल अर्बन फिल कर दिया, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, अगर हो SC BC जनरल कैटेगरी उसको टिक कर देना है, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी उसको टिक कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या कि अब सब्जेक्ट क्या है, ऊपर हम जो फिल करके आए हैं वो है टीचिंग ऑफ SST, जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपने लिख देना है सोना सोना सा करके, पेडागॉजी ऑफ सोशल, ये नहीं, घबराना नहीं कभी भी, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और कुछ नहीं होता, फॉर्म को आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो कि दूसरे के घर में नहीं घुस रहे क्योंकि ये घर खाली है इसलिए जा रहे हो। सोशल स्टडीज़, कई सोशल स्टडीज़ रख रहे हैं, कई सोशल साइंस रख रहे हैं, ये आपने पूरा फिल कर दिया आराम से। पर्टिकुलर ऑफ पासिंग ऑफ लोअर, ये मार्क्स, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोअर मार्क्स के हैं पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस आपका बना कि लोअर मार्क्स, लोअर क्लास आपकी बीएड है, तो बीएड के यहाँ पर फिल करोगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपने बीएड लिख दिया। यूनिवर्सिटी बोर्ड, जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, GNDU, ओके, बीएड वहीं से की है। रोल नंबर आपका लास्ट सेमेस्टर का जो आपने बीएड की थी वो फिल करना है, सेशन जिसमें कंप्लीट की है वो फिल करना है, टोटल मार्क्स कितने आए हैं, रिजल्ट यहाँ लिखना है, पास, पास लिखना है। नेक्स्ट है आपका, ये सारा पिछले फॉर्म में सेम था, तो प्रीवियस ईयर इसको छोड़ देना है, प्रीवियस सेमेस्टर पर्टिकुलर्स, तो ये सेमिस्टर वन के, मतलब प्रीवियस सेमिस्टर अब कौन से हो गए, बीएड के, क्योंकि भर रहे हैं, अगर बीए का एडिशनल होता तो बीए के अपने फिल करने थे। यहाँ पर सेम वन का रोल नंबर, जैसे वन वन जो भी आपका रोल नंबर है DMC से देखना है, वो फिल कर दिया। सेशन कौन सा था, मान लीजिए 2020 था, है ना, तो वो फिल कर दिया। ये सेम टू हो गया, आपका रोल नंबर जो भी है DMC से देख के फिल कर दिया, और ये साथ में यहाँ कर सकते हैं कि सेशन, क्योंकि ये दिसंबर में होता है, साथ में अगर स्पेस है तो DEC दिसंबर डाल दीजिए, और ये 2021 ये मान लीजिए आ गया, ये आ गया मई, ओके। वैसे जो DMC पर लिखा हुआ है मैं मंथ वही फिल करना है। ये तीन, थर्ड सेमेस्टर आ गया 333, सेशन कौन सा आ गया 2021 दिसंबर, यहाँ डी बाद डाल दिया, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2022 आ गया यहाँ पर, तो आपने लिख दिया, सॉरी रोल नंबर आ गया आपका 3444 जो भी है रोल नंबर, तो यहाँ पर 2022 मई आपने एग्ज़ाम दे दिए, ये पूरा हो गया। इसके बाद आर यू अपीयरिंग फॉर, ये मैंने उनसे पूछा भी था कि इसका मतलब क्या है, देखिए कि इन्फॉर्मेशन सेल वाले हैं, कई बार उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती। ये रीअपियर है, RTI अगर डाली हुई है, कंपार्टमेंट है आपकी, है ना, ऑफ लोअर एग्जामिनेशन, ये कॉलम बनाया हुआ है एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला
की स्टूडेंट है वो पूछ रही है मेरी री अपीयर है तो आप दे सकते हो एग्ज़ाम। तो यहाँ पर नो आया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पूछा, लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पूछा तो हाँ, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से देखिए अभी मैसेज आया है। मिस्टर जरनैल सिंह जी हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में इंक्वायरी सेल पर पहले कॉरेस्पॉन्डेंट थे। उन्होंने बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आपकी री अपीयर है, अगर आपका लोअर एग्जामिनेशन क्लियर नहीं है तो आप एडिशनल पेपर नहीं दे सकते। उनका थैंक यू, जरनैल सिंह जी का ग्रेट थैंक्स। तो ये बात क्लियर होगी क्योंकि एक अलग से क्वेश्चन था, काफ़ी दिनों से कोई तंग था, ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये आप ये क्रॉस आ जाएगा, आप यहाँ पर क्रॉस कर दिया कि ऐसी हमारा कुछ मामला नहीं है, क्योंकि ये कॉलम का मीनिंग ही नहीं बनता। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन डीएमसी देखना है, बीएड का लास्ट सेम का, और वो जब भी होगा जून जुलाई अगस्त है ना जैसे है, तो 2022 ऐसे आपने फिल कर देना है। इंडिकेट इफ़ एनी डिसक्वालिफिकेशन, तो ये ऐसे ही इतना ही, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो दैट इज़ वाई डिसक्वालीफाई नहीं हुए, इसको क्रॉस करोगे। अगर कोई केस है तो उसको सोचना पड़ेगा, नेचुरली वो फ़ोन करेंगे मेरे को, हैव यू अटेंडेड द कॉलेज डिपार्टमेंट एफिलेटेड दिस यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक सेशन, अगर किया है आपने वो सेशन का नाम, जैसे लास्ट ईयर आपने 2022 में इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन मान लीजिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का अटेंड किया है ना, अच्छा कॉलेज है। तो ये हो गया, एक मिनट, तो फिर आप यस लिखोगे, यस करोगे, अदरवाइज अगर नहीं, वैसे आपने क्योंकि रेगुलर की है आपका ये कॉलम फिल होगा, यस आपने फिल कर दिया यहाँ पर। इफ़ यस हैव अटेंडेड एफिलेटेड कॉलेज एंड डिपार्टमेंट गिव द नेम ऑफ कॉलेज, यहाँ पर आपने लिख दिया, देखिए नाम नहीं छोड़ा है यहाँ पर, ये मुश्किल कर दिया थोड़ा सा, ये डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर आप फिर लिखोगे, कैसे लिखोगे, छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, मैंने पेन का दूसरा हिस्सा ले लिया, ये इनोसेंट लिखना, क्लियर है, स्पेस जितनी मर्जी लो, ऐसे ध्यान से लिखना। अब हमारे पास ज़िंदगी भी ऐसे ही है, कई बार रिश्ते नहीं हमारे को स्पेस देते, लेकिन ढूंढनी पड़ती है, मिल जाती है। तो इनोसेंट यहाँ लिख दिया, तो ये स्पेस मेरे को खाली लग रही है, मान लीजिए लंबा लिखना है मैंने, ये वाली इतनी है, तो मैंने इसको छोटा, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी ना ज़िंदगी में ना यहाँ, इनोसेंट यहाँ लिख दिया ए हार्ट्स, मैंने देखा कितना लंबा था उसके मुताबिक स्पेस बनाई। देखा स्पेस, जब जिंदगी तंग करती है तो आप भी तंग हो जाओ, ब्रीक हो जाओ, निकल जाओ तो जाओगे। जितने छोटे बने रहोगे ना, जितने गरीब जितने डाउन बने रहोगे उतनी ज़िंदगी आसान, जितने सिंपल रहोगे उतनी आसान। तो ये इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन पूरा लिखा, और ये मैं कॉमा डाल के जे ए एल यहाँ डाल दिया दो, लो जी मेरी ज़िंदगी हो गई पूरी, पूरा लिखा गया। तो ऐसे लिखा जा सकता है, ये स्ट्रेटजी है, यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आई, ये डिक्लेरेशन है, आपके सिग्नेचर है, एक सर्टिफिकेट है, आपका नाम यहाँ पर आएगा, जैसे टी आई आर ए टी एच है ना, के ए यू आर। अब मैंने क्या गलती की, मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए था, हाँ मेरी गलती से आप सीख सकते हो ना। बलविंदर कौरा नाम आ गया, एज 36 ईयर, ओके ये हो गया रेजिडेंट, इसको प्रॉब्लम नहीं है, सोचना नहीं है कि ये क्या है। रेजिडेंट ऑफ, आपने अपना नाम, मोहल्ला, जैसे हाउस नंबर, पूरा डिटेल है ना वो लिख देनी है यहाँ, हाउस नंबर, यहाँ स्पेस दी हुई है, हाउस नंबर, मोहल्ला जो भी है, जो है आपका टाउन है, गांव है ना, उसका नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ गया, जे ए एल ए एन डी एच ए आर, ये पूरा हो गया। तो ये आप ये कह रहे हो कि जो भी डॉक्यूमेंट है, इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, मेरी तरफ से ट्रू है, अगर गलत पाया जाता हूँ तो मेरे को आप एक्सपेल कर सकते हो जाओगे, है ना। तो आप इसको एक साबित कर रहे हो, दैट इज़ वाई यहाँ पर आप साइन करोगे जिस भी भाषा में करना चाहते हो, तीरथ कौर, ओके। तो उसके बाद डेट यहाँ डाल दोगे, इसकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसी दिन जब आप कर रहे हो डाल दो। नॉट ऑल द केस, अगर आपका कोई केस होता है तो कहते हैं अमृतसर जुरिसडिक्शन में होता है ये, हाँ। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यहाँ पर बीएड कहीं नहीं लिखा गया, ये है ना, ये देखिए, फॉर द फैकल्टी ऑफ आर्ट टाउन प्लानिंग, फॉर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टाउन,
फॉर लॉ है ना, ये लिखा हुआ है, यहाँ बीएड नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अपनी सोनी सी प्यारी सी अच्छी सी सबसे प्यारी सोनी बहुत प्यारी जो लगती है आपको वो फोटो ऐसे लगा देनी है। हाँ जिंदगी का भी मजा लेना है पूरा तो वापस आ जाओ, लेकिन फोटो काम नहीं आती, काम क्या आते हैं क्या हम काम पढ़ना पड़ेगा। तो ये फोटो लगा दी, यहाँ पर अपना नाम माता पिता का नाम आगे लिखा हुआ है, ये नहीं है तो अपना नाम लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए और यहाँ पर प्रिंसिपल सर कर देंगे और स्टैंप लगा देंगे। इसके ये ज़रूरी है, एक फ़ोटो होगी आपकी, दो फोटो आगे लगेंगी, वहाँ पर सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर यहाँ भी हो गए, एक पीछे हो गए। तो यहाँ पर तस्दीक किया जाता है कि प्रख्याति जिहड़े कोर्स विषय में दाखला भेज रहा है वो कॉलेज विभाग में पढ़ाए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी वालों इन विषयों की मानता एफिलेशन दी गई है, ये बनती है जिम्मेवारी उस प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर सील लगा स्टैंप लगा दी जाएगी और ऐसे करके प्रिंसिपल टॉर बनाने के लिए जो करते हैं ना ऐसे सिग्नेचर जो समझ ना आए तो वो वाले करवा लेने हैं। तो इसके बाद है सर्टिफिकेट फॉर लेट स्टूडेंट, ये हमारे लिए नहीं है, इसको छोड़ देना, दैट ए कैंडिडेट ऑलरेडी अटेंडेड द प्रिस्क्राइब कोर्स है। तो पिछला जो हमने फॉर्म फिल किया था उसमें मेंबरशिप का जो सर्टिफिकेट था कि आपने 15 वीक की, अगर सेमिस्टर का है 15 वीक की, अगर एनुअल सिस्टम है तो 1 मंथ की टीचिंग प्रैक्टिस या इंटर्नशिप लगाई है, उसका प्रैक्टिस मैं बताता हूँ, वो अलग से आपको वर्डिंग देता हूँ, वहाँ पर आपने करवाने हैं। तो ये आ गया रोल नंबर, रोल नंबर स्लिप है, नेचुरली है ये एंड प्रोडक्ट है, जब एग्जाम होना है तब आपको मिलनी है, तो इसको फिल करना कैसे करना है, वेरवे परीक्षार्थी द्वारा ही भरे जान, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी जो है ठीक नहीं है, क्योंकि रोल नंबर आप थोड़ी फिल करोगे, रोल नंबर आपको मिलना है, अभी तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो। तो सेमिस्टर आपका जो भी है, बीएड आपने फिल कर दिया, सेम 1 भी लिखना है, 2 का भी होना है, 3 का भी होना है, ये रोल नंबर जो है 3 के लिए इशू होगा, और परीक्षा जो आपका एग्जाम है ना वो दिसंबर में होना है, बाकी का वो खुद देख लेंगे, 2023 यहाँ फिल कर देना है। परीक्षार्थी अपना नाम अपने लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम, केंद्र, अब ये प्रॉब्लम है कि केंद्र लिखना है या नहीं, अगर तो कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है जहाँ प्रिंसिपल की स्टैंप लगी है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन गई है, अगर वो लाइट लगी है, ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं पता चल रहा है कि कहाँ का वो है इन्फॉर्मेशन, अगर तो इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको सेंटर देंगे। वैसे ये फिल करने के लिए नहीं कहा जाता, मैं कहता हूँ कि उनको स्पेस दे के यहाँ पर छोटा सा ज़रूर फिल कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल छोटे से मैंने इनोसेंट आर्ट्स, ठीक है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर, ये इतना काफ़ी है, यहाँ स्पेस उनको दे दी है कि ये अगर उन्होंने सेंटर कोई और देना है। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिस कॉलेज ने टेस्ट किए हैं वही मिलेगा, वही मिलना है, दैट इज़ वाई ये फिल करवा रहा हूँ, अदरवाइज फिल नहीं करना। अगर ऊपर आप दूसरा फॉर्म जो था उसमें इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सा सेंटर लेना है, आपने फिल कर दिया तो वहाँ से वो चॉइस खुल देंगे कि जलंधर मिलेगा या नहीं। तो ये बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एडिशनल पेपर देना होता है, कई बार थ्योरी पेपर का कॉमन सेंटर बना दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अमृतसर या रीजनल सेंटर, क्योंकि जलंधर में है, जलंधर बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नॉर्मली जहाँ पर आपसे अटेस्टेशन जहाँ जिस कॉलेज से करवाई है वहीं से ही आपकी जो है एग्जामिनेशन सेंटर आपका बनेगा। प्रैक्टिकल की 100% है कि उसी कॉलेज ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने फीस ली हुई है, तो थ्योरी भी नॉर्मली वही कॉलेज आता है, लेकिन 5% प्रोबेबिलिटी है कि आपका थ्योरी के लिए एग्ज़ाम कोई और कॉलेज बन जाए, ये संभव है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के का एक कॉलेज सब जो है इकट्ठे करके वहाँ बन जाते हैं, अमृतसर के डिफरेंट हो गए और जलंधर के डिफरेंट हो गए, ऐसे भी क्लब कर देते हैं। तो आपने ये फिल कर देना है, लेकिन उनको स्पेस दे देनी है, यहाँ पर अपने सोने सोने जो सिग्नेचर ये ज़रूर कर देने हैं, ओके। सिग्नेचर के बिना वो फॉर्म फैसिलिटेशन सेंटर वाले नहीं लेंगे। अब आपने अपनी सबसे सोनी जो तस्वीर है उसको चिपका देना है यहाँ पर, ऊपर नाम लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है, प्रिंसिपल सर की स्टैंप लग जाएगी, सिग्नेचर हो जाएंगे, दूसरी लग जाएगी, 3 आपकी हो गई है ना। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपने फिल नहीं करना, प्रीख्यार्थी ने ना कार्ड नूं संभाल के रखना चाहिए है, तो प्रीख्या के दौरान किसी भी दिन मंगण ते दिखाना चाहिए है। केंद्र ये फिल आप मत करो, ठीक। तो ये क्योंकि ये उन्होंने लिखा है प्रख्यार्थी विद्यार्थी द्वारा भरे जान, इस दे आधार पर असं कह रहे हैं कि ऐसी
भर रहे हाँ, सिर्फ रोल नंबर इतने छड़ रहे हैं, रोल नंबर छड़ रहे हैं, एक केंद्र इतने छड़िया जा रहा है, इतों कटिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे जिहड़े ने इस तुहानूं अटैस्टेशन करनगे। सो इस दे अलावा प्लीज़ फिल इन रोल नंबर टू बी फिल बाय द ऑफिस, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो ये किहदे लई है स्लिप, किहदे किसके लिए है? ये है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। आपको अगर उन्होंने कोई लेटर भेजना है तो उससे ये स्लिप उतारेंगे और चिपका देंगे। तो इस पर आपने ये रोल नंबर नहीं फिल करना, नेम आपका सोना सोना आ जाएगा, फादर्स नेम आ गया, एड्रेस पूरा लिखना है क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस का है। पिन कोड जरूर यहाँ लिखा है, पिन कोड। पिन कोड ना आप देखो, देखो कर्म क्या होता है, ये फैसिलिटेट करो दूसरों को। अगर आप तंग करोगे तो बददुआएं भी आएंगी, काम आपके में रुकावट भी आएगी, ठीक है। तो जब पिन कोड है पोस्ट ऑफिस में, जो कैटेगरी बनती है वो उनके लिए बहुत इजी होती है, उनको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, वो कोड देखते हैं लास्ट टू है या थ्री है। तो आप पिन कोड ज़रूर लिखिए, ये फैसिलिटेट कीजिए। ये हो गया, ये सारी स्लिप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपने फिल कर देनी है, यहाँ पर एंड हो गया है। इसके अलावा मैं ये दिखाता हूँ कि बाद में आपको कई कॉलेज नहीं फिल करते, तो आप इस वीडियो से ये है ना दिखा सकते हैं कि अगर जब आपको ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के आपके चक्कर भी लगते हैं, सर्टिफिकेट आपको खुद जाके जमा करवाना पड़ता है। ये कौन सा है, टू होम इट में कंसर्न, जो इंटर्नशिप आपने लगाई है आपका वो सर्टिफिकेट है, जिस कॉलेज से आपने अटेस्टेड करवाए थे वो आपको जो ये अपने लेटर पैड पर बना के देगा। अब ये वर्डिंग है इंटर्नशिप की, टीचिंग प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट की। सेमेस्टर सिस्टम में ये 15 वीक की लगती हैं। तो अब ये कब सर्टिफिकेट बनाना है? पहले गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थर्ड सेम में लेती थी, लेकिन अब जो एडमिशन ले रहे हो तभी उसके साथ ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। इट मींस के ये फॉर्म जो फिल कर रहे हैं, जिसकी वीडियो बनी है, उसके साथ ये सर्टिफिकेट भी आपने अपने कॉलेज से अटेस्ट करवा के यूनिवर्सिटी को जमा करवाना है। वर्डिंग आप पढ़ लो, टू होम इट मे कंसर्न, इट इज़ सर्टिफाइड दैट नाम आपका, पापा डॉटर ऑफ पापा का नाम, इज अपियरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट ड्यूरिंग द सेशन अप्रैल मई 2024 इन द सब्जेक्ट ऑफ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, शी विल अटेंड द रेगुलर क्लासेस इन द कॉलेज फॉर 1 month फ्रॉम September 18, 2023 टू October 19, 2023। ये जो थ्योरी क्लासेस की क्लासेस आपने अटेंड करनी है, लिखना है लिखना जरूर है, मतलब है ना, लिखना है, सर्टिफाई जरूर करना है, अटेंडिंग है। तो ये हो गया, इसके बाद एंड, ये हो गया थ्योरी क्लास 1 month की लगेगी। एंड क्या है, इज पार्टिसिपेटिंग ING आप करोगे अभी, इन टीचिंग प्रैक्टिस फ्रॉम अगस्त 19, जो अभी आने वाली है तब से ये शुरू हो रही है। इट मींस आप फर्स्ट सेम के भी दे रहे हो, टीचिंग प्रैक्टिस भी लगा रहे हो, इट मींस फर्स्ट सेम और थर्ड सेम का आपका इकट्ठा हो रहा है। ये थ्योरी पेपर आप दे दोगे, क्लास लगाओगे, थ्योरी पेपर दे दोगे फाइनल, और प्रैक्टिकम स्किल इन टीचिंग जो थर्ड सेम का होगा उसकी टीचिंग प्रैक्टिस की कंडीशन फुलफिल करके आप कर लोगे। तो ये 19 अगस्त से ये डेट आपने अपने कॉलेज के मुताबिक उन्होंने चेंज कर देनी है, 19 अगस्त 2023 से November 25, 2023 तक इन्होंने सर्टिफाई किया है कि यहाँ तक लगा रहे हैं। तो ये भी एक है कि आपने किस स्कूल का बनवाना है सर्टिफिकेट, जो बनना है आपने किस स्कूल में लगवानी है, तो वहाँ जहाँ प्रिंसिपल आप, वो कॉलेज वाले गाइड कर देंगे आपको, बेटर है। तो होना तो ये रूल है कि कॉलेज का टीचर एडुकेटर उस स्कूल में मेंटर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ प्रिंसिपल की स्टैंप लग गई, सील लग गई, ये ख़त्म हो गया। तो ये था बीएड का, है ना। तो ये रिवाइज़ की गई है, पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो गलती हो गई, तो गलती मैंने शोर किया था, लेकिन बार बार वही बताया गया था फॉर्म, लेकिन ये एक्सपीरियंस होने के बाद, लेकिन बताने वाली बात यह है कि वहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर वालों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, जो पिछली वीडियो थी, ठीक है। थैंक यू।